सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। सभी भाइयों को अपने YouTube चैनल फार्मर अश्वनी चौधरी पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। भाइयों, आज की जो वीडियो है ये गन्ने की न्यू वैरायटी कुलक 14201 के साथ में मटर का सह फसली प्लॉट है, तो एक बार जरा भाई साहब से मिलते हैं और इसकी सारी विस्तार से जानकारी लेते हैं। भाई साहब, राम राम। आप कैसे हो? बस ठीक है यार। हाँ जी, एक बार आप अपना किसान भाइयों को हमारे परिचय। जी, मेरा नाम विकास है, गाँव कुरंती है, जिला सहारनपुर, तहसील गंज। ये गन्ने की कौन सी वैरायटी? ये 14201 है। 14201। अच्छा, ये मटर? जी, ये मटर है अर्की। अर्की बस लगा दीजिए ना। अच्छा जी, लाइन से? लाइन से जी, एक लाइन। एक लाइन मटर की है, एक गन्ने की। जी जी। तो ये जैसा आपने लगा, कितने डिस्टेंस पर लगाई है गन्ने की पौध? जरा थोड़ा दिखवा दो। गन्ने की पौध जो है ये पाँच लाइन से, लाइन पाँच फुट है, तो जैसे पौधा है 18 इंच। अच्छा अच्छा, तो आपने इसकी मतलब पौध तैयार करी थी या आँख लगाई? नहीं, पौध तैयार की थी, पौध लगी हुई। पौध तैयार करके वो लगाई आँख। हाँ, तो जैसा ये गन्ने की वैरायटी कुलक 14201 बड़े भाई जोर शोर से चल रही है, वैरायटी अच्छी है? ठीक है जी, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सर्दियों में पीली पीली सी है, बाकी फिर ठीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पाला पड़ता है जी। हाँ जी, इस वजह से थोड़ी सी हो जाती है। हाँ, तो भाइयों सबसे पहली बात ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना सुंदर प्लॉट है। एक देखो किसान भाई ने कितने मैनेज, अच्छे मैनेज के साथ तैयार किया है। देखो मटरा और मटरे के साथ में गन्ने की क्या शानदार रोप तैयार हुई है। ये ट्रेंच विधि का गन्ना है, एक बार जरा इधर घुमा के दिखाओ हमारे किसान भाइयों को, बहुत अच्छी तरीके से सभी को। थोड़ा इधर आ जाओ, ऐसे सारी लाइन बहुत। और फिर देखियो किसान भाइयों को इधर दिखाओ जरा। ये किसान भाई ने अपनी थोड़ी सी प्लेज तैयार कर ली है, लहसुन लगा दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया है, चना है, काफ़ी चीज़ें लगाई हैं। हाँ जी, मूली सलगम सब है। मूली सलगम सब चीज़ें हैं। हाँ। तो आप जरा हमारे किसान भाइयों को ये बताओ, जैसा आपने लगाई है इस पर कोई खाद वगैरह क्या क्या प्रक्रिया रखी थी आपने? अभी तो कुछ नहीं रखी जी, अभी तो ये खूड निकाल कर और पानी दे कर ये पौधा लगाया था। अच्छा जी, क्योंकि अभी हरा हो जाए तो तब, अब तो मुझे लगा फरवरी में ही बढ़िया चीज़ है ना। फरवरी के बाद मटर अच्छी हो जाएगी, खाने का काम कर देगी घर का। और नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। तो आप लोग देखो करना भी चाहिए, सह फसली अगर खेती करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा तो जरूर होगा। बिल्कुल, वो घर के भी यूज के मतलब सही करवा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो किसान भाइयों आप ये देखो सबसे पहले तो कितना अच्छा सुंदर गन्ने का प्लॉट मटर के साथ कह सकते हैं। डिस्टेंस कितना है जी पौध का? ये 18 इंच, 1.5 फीट। ये 1.5 फीट। तो जैसा आपने करी है ट्रे में करी थी या उसमें? नहीं, एस टी ना, उसको जमीन पर। जमीन पर? अच्छा, जमीन पर आप जो बता रहे थे कौन सी विधि थी? एस टी। उसमें जैसा आप पौध उठाते हो तो फर्क नहीं पड़ता? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हल्का फुल्का तो मुरझावा एक बार फिर ठीक है। अच्छा, उसमें लागत कम आती है ना किसान? हाँ, लागत ट्रे में तो लागत टाइम भी कम लगा, लागत भी कम लगा, काम हो गया जल्दी। हाँ, आपने उसकी प्रक्रिया नीचे कुछ बिछाया था क्या? हाँ, नीचे हल्की सी मिट्टी लगा था और फिर ये यूरिया के कट्टे होते हैं ना जी, ये लगा के इन पे 1 इंच मिट्टी लगा दी। 1 इंच? और फिर उसको जो इसकी गन्ने की है ना आँख जी, वो बिछा दी उसके ऊपर, फिर हल्की सी मिट्टी और रेत थोड़ा खाद मिलाकर वो लगा दी, लगा कर फिर उसको पानी लगा दिया। पानी लगा दिया। कितने दिन की पौध ट्रांसप्लांट की थी आपने? ये तो करीबन 45 दिन की थी। 45 दिन। अच्छा भाइयों, देखो पौध का गन्ना थोड़ा सा अगेता हो जाता है, ये एक सबसे बड़ी बात जो होती है पौध की, किसान भाई से पौध का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है किसान भाई को बताओ? बस एक तो गैप फिलिंग पूरी। गैप फिलिंग? हाँ, अब कहीं सूख भी जा तो दोबारा पौधा लगा दो। देखो पूरा रो ठीक रहा, जैसे सर्दियों में यहाँ टूट गया पौधा जी, तो ये फरवरी में हम दोबारा लगा देंगे यहाँ। तो देखो एक बार दिखाओ जरा थोड़ा सा, ये दिखाओ तो सबसे बड़ी बात, एक आध जगह ही गैप फिलिंग हो गया। ये आप किसान भाई यहाँ पर जैसा गैप लग गया है तो पौध का ये है कि इतनी दड़ी में किसान फिर दोबारा से एक पौधा लग जाएगा, पौधा लग जाएगा। और देखो ज़्यादातर वैसे मिस नहीं है कहीं, एक आध जगह मिस है, सर्दियों का हो जाएगा मिस। हाँ। इस टाइम का जी जी, तो पौध के इसलिए बेनिफिट होता है कि पौध में गन्ने का नुकसान नहीं, नुकसान भी नहीं होता, ट्रेनिंग ज़्यादा करो जी, और बिल्कुल जो है एक जगह गन्ना तैयार हो। कोई स्प्रे की जरूरत पड़ी इस वैरायटी में अभी तक? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है, अब आगे जो है देखते हैं। अच्छा, अभी कोई स्प्रे नहीं करी? अभी तो कम दिन का है ना लगा हुआ, खेत में ये लेट हो गया था, इसमें गन्ना ही था तो गन्ना काट कर हमने लगाया। नवंबर में ट्रांसप्लांटिंग की हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, गन्ना अक्टूबर में लगाई थी, नवंबर के सेकेंड वीक में ये लगी। अच्छा, अगर अगेती लग जाती तो और ज़्यादा बहुत बढ़िया हो जाती। तो यहाँ पे जैसा आपने मैनेजमेंट किया है, एक बार ज़रा थोड़ा सा दिखा दो, तो ये
अपने घर की सब चीजें सब्जियां जितनी? हाँ जी हाँ, सब चीज है। तो इसमें क्या क्या चीजें लगाई आप? इसमें मूली है, शलगम है, गाजर है, हरा धनिया है, टमाटर है, शलगम है, आपकी चकुंदर है, और मटर होगी, जितना भी याद आया वो लगा दिया, चना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चल रही है एक दो पले? नहीं, बढ़िया चल रही है। एक बार मूली तो अब चल रही बढ़िया, उधर प्याज की पोड़ दो रखी, जैसे ये खत्म होगी मूली जहाँ है तो वहाँ प्याज लगा देंगे दोबारा, वो घर का खाने का काम कर देगी। तो थोड़ा सा जरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर आ जाओ जरा एक बार। तो इतना सुंदर ये हम ये बात प्याज उधर है, उसमें प्याज की पौध लगा देना। अच्छा जी, प्याज उधर है? हाँ। अच्छा अच्छा, प्याज की पौध से वो जगह जो खाली होगी ना सारी जी, तो उनमें प्याज लगा देंगे तो काम कर देगी। ऐसा जो गन्ना है ना हमारा मार्च का भी जी, उसमें भी हमें मतलब जो है ना 5 फीट पर अगर एक लाइन हम मूंग की देंगे तो बेस्ट होगा। मूंग की नहीं, बेस्ट ग्रीन। अच्छा जी, हाँ, जो मार्च का गन्ना गन्ना वो रखा है उसमें हमें मूंग कर देंगे। मूंग सह फसली बहुत बढ़िया है। एक तो हरी खाद का काम बहुत बढ़िया करोगे, पका भी नहीं जी खेत में, मतलब जो है हरी खाद का काम। और जो उसमें उड़द बोले, उड़द गन्ने के साथ में इतना बढ़िया, मतलब जो है चल जा थोड़ा सा, वो पानी का तो ठीक है लेकिन जो खाद डाल लो ना उसमें उड़द जो है ज़्यादा ग्रोथ नहीं। तो मूंग का मूंग भी बढ़िया चला है, उड़द भी बढ़िया चला है। सह फसली किसान भाई को अगर ट्रेंच विधि कर रहे हैं तो करनी चाहिए? करनी चाहिए, बहुत बढ़िया। अगर मान लिया किसी चीज़ को हम पका भी नहीं और उसे हरी खाद का भी यूज कर रहे हैं तो गन्ने में खाद लगेगा, गन्ने ऐसे ही लागत कमाओगे गन्ने में। हाँ बिल्कुल, मूँग बहुत बढ़िया हो, एक दो साल हमने बोई तो बहुत ज़बरदस्त मूँग। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो उड़द हमने बोई भी नहीं, हम नहीं कहते। अच्छा, ये उड़द की मैं जानकारी पूरी दे नहीं सकता। अच्छा, मैंने बहुत अच्छी जानकारी दी आपको, तो देखो कितनी अच्छी बात बताई। तो आप बताना आपको ये किसान भाई का मैनेजमेंट कैसा लगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और भाइयों चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ऐड को स्किप मत करना प्लीज़, देखा करो भाइयों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।